आगजनी और आपदा प्रबंधन। जम्मू कश्मीर में आए दिन आगजनी की दुर्घटनाएं होती ही रहती हैं। कई बार ये दुर्घटनाएं इतना भीषण रूप ले लेती हैं जिससे भारी जान माल का नुकसान हो जाता है। घर, मकान, परिवार और आजीविका के साधन सब कुछ जलकर भस्म हो जाते हैं। भले ही आगजनी की घटनाओं को लोग आपदा का नाम दें, लेकिन ये भी सच है कि अच्छी और बेहतर तैयारी नुकसान को बहुत हद तक कम कर सकती है या किसी बड़ी दुर्घटना को होने से रोक सकती है। आमतौर पर भारत में आगजनी की दुर्घटनाएं दो कारणों से होती हैं, प्राकृतिक व इंसानों द्वारा। इस वीडियो में हम इंसानों द्वारा आगजनी की घटना के बारे में बात करेंगे। मानव जनित आगजनी की दुर्घटनाएं कभी भी आपदा का रूप ले सकती हैं। शॉर्ट सर्किट और सिलेंडर ब्लास्ट के केस में तो स्थिति और भी खौफनाक हो जाती है। इस तरह की दुर्घटनाओं से जान माल का काफी नुकसान हो सकता है। जम्मू कश्मीर के गांव-गांव में आज खाना बनाने के लिए एलपीजी गैस सिलेंडर का उपयोग हो रहा है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का लाभ उठाकर समाज के सभी वर्गों के परिवार और महिलाएं एलपीजी सिलेंडर का उपयोग कर रही हैं। निसंदेह एलपीजी गैस चूल्हे ने भोजन पकाने के काम को सरल और सुविधाजनक बना दिया है। ना धुएं की चिंता और ना ही लकड़ी, कोयला या स्टोव जलाने का कोई झंझट। लेकिन जरा सी लापरवाही भी भारी पड़ सकती है। एलपीजी गैस लीकेज बड़े हादसे को दावत है। ऐसे में जरूरी है कि कुछ सावधानियों का ख्याल रखा जाए। रबर ट्यूब से जुड़ी सावधानियां। रबर ट्यूब ISI मार्क का ही हो, रबर ट्यूब की लंबाई 1.5 मीटर से अधिक ना हो, रबर ट्यूब ज्वलन और गर्म तापमान से दूर हो, ट्यूब बर्नर के संपर्क में ना आए, ट्यूब कहीं से मुड़ा हुआ ना हो, इसे केवल गीले कपड़े से साफ करें, सप्ताह में कम से कम 2 बार इसकी जांच हो, हर 2 साल बाद ट्यूब को बदला जाना चाहिए। गैस की गंध आने पर क्या करें? इलेक्ट्रिकल स्विच ना चलाएं, स्टोव के नॉब बंद कर दें, एलपीजी रिसाव का पता लगाने के लिए भी माचिस या लाइटर ना जलाएं, प्रेशर रेगुलेटर को दाईं ओर मोड़कर बंद करें, यदि गंध फिर भी ना जाए तो गैस डिस्ट्रीब्यूटर को बुलाएं, आपात स्थिति के समय अपने करीबी आपात सेवा केंद्र को फोन करें, किसी अनुभवी व्यक्ति को रेगुलेटर निकालने के लिए बुलाएं। खाली सिलेंडर निकालते समय इन बातों का रखें ख्याल। रसोई और आसपास की सभी जलती हुई चीजें जैसे अगरबत्ती, मोमबत्ती, पूजा का दिया आदि बंद कर दें, चूल्हे के टैप बंद कर दें, रेगुलेटर के स्विच नॉब को बंद करें, रेगुलेटर को दबाएं और बुश को ऊपर की ओर खींचें, इसके बाद हल्के से घुमाकर रेगुलेटर को निकालें। ऐसा करते समय विशेष सतर्कता बरतें। भरे हुए सिलेंडर को लगाते समय इन बातों का रखें ख्याल। सुरक्षा कैप को निकालने के लिए नीचे दबाएं, कॉर्ड को खींचे और खींचे रखें, कैप को सिलेंडर वॉल्व से निकाल दें, यदि रिंग गायब हो या टूटा फूटा हो तो सिलेंडर का प्रयोग ना करें, ध्यान दें कि कहीं सील टूटी ना हो। खाना पकाते समय बरतें सावधानी। खाना पकाते समय नायलॉन के वस्त्र कभी ना पहने। खाना पकाने के सामान का प्रयोग करते समय गैस चूल्हे को जलता छोड़कर ना जाएं। यदि आपका चूल्हा खिड़की के पास है तो खिड़की में पर्दे ना लगाएं। गैस चूल्हे को हवादार कमरे में रखें। खाना पकाने के बाद या रात के समय कभी भी रेगुलेटर को चालू स्थिति में ना छोड़ें। बिजली से आग लगने पर बरतें सावधानी। मेन MCB गिरा दें, लिफ्ट का प्रयोग ना करें, आग बुझाने के लिए पानी का उपयोग ना करें, फायर सिलेंडर का उपयोग करें, भगदड़ ना मचाएं।